हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आप घर पर हाइड्रोजन के बैलून कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन फ्रेंड्स उस वीडियो के नीचे आपने बहुत कमेंट किए हैं कि भाई ये वीडियो फेक है, आपने इसमें बैलून चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमने उस वीडियो में बैलून इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो जो बैलून था वो ख़राब हो गया था, लेकिन फ्रेंड्स वो जो वीडियो था एकदम रियल था। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी ट्रिक से एक हाइड्रोजन का बहुत बड़ा बैलून फुलाने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये जो बहुत बड़ा बैलून फुलाएंगे हम, क्या वो पतंग की तरह उड़ पाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लिए हैं, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर करते हैं तो आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास फ्रेंड्स बड़ा बैलून। और फ्रेंड्स, इस बड़े बैलून को फुलाने के लिए हमें चाहिए होगी एक बड़ी बोतल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बड़ी बोतल में पानी डाल लेंगे। तो चलिए पानी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें इसमें कास्टिक सोडा डालना है। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई कास्टिक सोडा कहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे किराने स्टोर से ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आपको किराने स्टोर पर नहीं मिलता है तो आप इसे अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कास्टिक सोडा डाल देंगे। और फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा डालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके हाथों के लिए और आँखों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो आपको इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें कास्टिक सोडा डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एल्युमिनियम फॉयल, तो इसे हम काफ़ी मात्रा में डालेंगे। और हमने फ्रेंड्स इसमें काफ़ी मात्रा में कास्टिक सोडा डाल दिया है, तो चलिए अब इसे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें एल्युमिनियम फॉयल डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बैलून लगा देंगे ऊपर से, चलिए लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें बैलून लगा दिया है। और फ्रेंड्स, ये जैसे रिएक्शन होगी तो बोतल काफ़ी गर्म हो जाएगी, तो इसके लिए हम इसे पानी में रख देंगे ताकि ये गर्म ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने इसे पानी में रख दिया है, आप देख सकते हैं। और जो हमारा बैलून है वो फूलना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी है जिससे आपका टाइम बच सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बैलून है वो फूल गया है। तो अब फ्रेंड्स, हमारा जो बैलून है वो पूरा फूल गया है, तो चलिए अब हम इसे बोतल पे से हटा लेते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी गैस है वो कितने ज़्यादा बन रही है। और फ्रेंड्स, हमारा जो बैलून है वो फूल गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हाइड्रोजन बैलून है वो बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी कमाल के तरीके से उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो हाई फ्लेमेबल होती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ऐसा कुछ भी घर पे करते हैं तो पूरी सावधानी के साथ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे उड़ाकर देखते हैं कि ये जो बैलून है हमारा वो पतंग के तरीके से उड़ पाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें धागा बांध लिया है, तो चलिए इसे उड़ा कर देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कमाल के तरीके से जो हमारा बैलून है वो ऊपर जा रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब ये कितनी ऊपर जा पाता है।
all about humanity. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा बैलून है वो कहां पर पहुंच चुका है और ये पतंग से भी कमाल तरीके से उड़ रहा है। और फ्रेंड्स चलिए और इसे छोड़कर देखते हैं ये कितना ऊपर तक जा पाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो बैलून है वो कितने ऊपर पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।